फारूक भाई शादी सब में पहले उनका कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान नहीं है। फारूक शाब्दी के दिमाग में क्या चल रहा है हमारे को मालूम नहीं, अल्लाह जानता। फारूक भाई की जो रणनीति है, जो गटबाजी है, जो कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान नहीं है, कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान रहने के बाद में पार्टी चलने वाली। जब तक कार्यकर्ता के ऊपर तुम ध्यान नहीं डालेंगे तो पार्टी कहाँ से चलने वाली। आज MIM के बहुत से लोग बहुत से नाराज है। MIM का दिल में जज्बा लोगों के ऐसा है, क्यों बोले तो फारूक शाब्दी को देख वोट नहीं कर रहे। हमारे जो बैरिस्टर असुद्दीन अवेशी साहब जो हर समाज के हत्या लड़ रहे, जो बाबा साहब का संविधान जो लेकर जो बाबा साहब संविधान के अंदर जो बताए वो मुद्दे पर लड़ रहे। आज जो मुसलमानों को तकलीफ हो रही, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा, मुसलमान रंदे चाहे दलित रंदे या हल्की जात के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा। आपको मालूम है, आप मीडिया के संपर्क, आप मीडिया चलाते हैं लेकिन आपको सब कुछ मालूम है क्या क्या मुसलमानों के ऊपर अन्याय हो रहा, दलित के ऊपर क्या अन्याय हो रहा। इस मुद्दे को लेकर बैरिस्टर असुद्दीन अवेशी साहब जो संसद के अंदर जो आवाज उठा वो बेभाग जो बोलते है, तो उनकी दिल में आज भी हमारे अत्यंत मोहब्बत है। इसलिए हम आज तक MIM पार्टी में थे, इसलिए हम ऊपर कोर कमेटी को भी बताया कि फारूक शाब्दी सोलापुर के अंदर क्या काम कर रहे हैं, कौन सी भी उनकी रणनीति नहीं है, वो बिजनेसमैन है। तो हम उनको क्या बोले, जब बिजनेस संभालना है तो सीधा राजकारण मत करो, बिजनेस संभालते बैठो। भाई के साथ संपर्क में दो से तीन बार और हमारे गाजी जागीरदार के कान पर भी ये बात डाला, ऊपर कोर कमेटी के भी कान पर डाला कि बाबा फारूक भाई शाब्दी कुछ भी सोलापुर के अंदर उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने सिर्फ MIM पार्टी को एक शादी की पार्टी, एक बर्थडे की पार्टी करे ले, बस आज शास्त्री नगर का मोहल्ला रंदे, चाहे मुस्लिम पाशा पेट रंदे, शनवार पेट रंदे, बेगम पेट रंदे, जितनी भी जो शास्त्री नगर के अंदर जो मुस्लिम वोट है, जो उनको एक भरोसी सी जो कि उम्मीद रख को जो वोट करे थे, आज वो फारूक शाब्दी के ऊपर पूरे जन नाराज है। किस बात पर नाराज है, यही बात पर ध्यान ही नहीं है ना फारूक भाई का। आज नाहक मुसलमानों को काम ही अड़ा अड़ा को मारा जा रहा है। तो फारूक शाब्दी का ऐसा मैसेज है, फारूक शाब्दी जब तक मैं नहीं बोलता तब तक कौन बोलना नहीं। लेकिन हम पार्टी के जिम्मेदार है, हमारी पार्टी के दिल में कहा तो कहा कौम के वास्ते हमारी मोहब्बत है। खाली फारूक शाब्दी पार्टी को नहीं चला रहे, हर एक के दिल में MIM पार्टी का जज्बा है। क्यों बोले तो आज जितने भी जो पार्टियां है, आज मुसलमान का वोट ले रही लेकिन मुसलमान का कुछ धड़ भला नहीं हो रहा, मुसलमान को हर चीज डावेला जा रहा। शास्त्री नगर के अंदर ऐसे बहुत से जो आज भी घरों के अंदर पानी आता, जो हमारे गली का सबसे बड़ा नाला एक फूल है, वो फूल भरने के बाद में आजू बाजू की जितने भी जो गोर गरीब के घर है वो रात को सो नहीं सकते, वैसी परिस्थिति है। खाली वोट लेने के वास्ते सब जन आते लेकिन काम करने के वास्ते कौन भी नहीं आता। सब जन बोले तो कौन, सब पार्टियां हैं, सब जन आते खाली आग खाली मुंह पर हाथ फिराते और निकल को जाते। ऐसे कचरे कुंडे है, ऐसे डेनी जा है, और हमारे शास्त्री नगर के अंदर मोहल्ला एक बड़ा बड़ी खंडी है, उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी गंदगी फैल रही लेकिन उसके ऊपर कौन भी ध्यान नहीं दे रहा, यानी आवाज नहीं उठा, आवाज नहीं उठा। अभी इतना सब कुछ तुम्हारे पार्टी में ये चल रहा है तो इसके बारे में आपने बिग बॉस तुम्हारी जो पार्टी के हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनको क्यों नहीं बताया आपने? हमारे जो यहाँ के जो अनवर सादात जो सोलापुर के निरीक्षक है, तो हम अनवर सादात को इसके बारे में SMS करे, तीन छः बार बात हुई। अनवर सादात फारूक भाई को बोले, फारूक भाई मीटिंग लिए, फिर मीटिंग लेने के बाद में हो लास्ट वॉच होगा, खाली 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद आना मीटिंग। क्या बोले उनके सामने आप? अनवर सादात के सामने हमने ये बोला कि सोलापुर के अंदर MIM पार्टी का काम नहीं चालू है, MIM पार्टी फिलहाल को ठंडे है, कुछ अभी काम नहीं हो रहा। जो मसले मसाइल है, जो मुद्दे है, जो विकास का काम है, जो आज गोर गरीब परेशान है, वो सब विकास के बारे में अनवर सादात को बात करी थी हम, लेकिन अनवर सादात फारूक भाई को बोले लेकिन फारूक भाई उसके बारे में क्या भी एक्शन नहीं लिए। हमारा मुद्दा ये है कि बाबा शास्त्री नगर रंदे चाहे बेगमपेट रंदे बादशाहपेट रंदे सोलापुर के अंदर जहाँ जहाँ जो लोग है जो परेशान है, जो विकास नहीं हो रहा, ये लोगों का विकास कैसा होना। आज DEd BEd जो बच्चंदा पढ़े ले, इन्हों पढ़ के अपने घर में बैठे ले, इनका शिक्षण का खर्चा
खर्चा करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसे बेरोजगार बहुत से उद्योग है, तो हम इनके वास्ते क्या भला कर सकते हैं, इनके वास्ते क्या कर सकते हैं। हमारा एक मकसद, एक उद्देश्य लेकर हम अभी फिलहाल को निकले ले। अब इतना सब कुछ हो रहा है, आप यमन के विरोध में बात कर रहे हैं और यमन के यहाँ के नेता लोगों के विरोध में बात कर रहे हैं, तो आपका क्या मार्ग रहेगा, यानी कि आपकी दिशा कहाँ है? हमारी दिशा तो नहीं, यमन छोड़कर आपकी दिशा किधर है? अभी हमारी दिशा फिलहाल को हमारी बात चालू है इसके साथ, टीआरएस के साथ चालू है, मैं अपना कांग्रेस पार्टी के ऑपरा चालू है हमारे को। फिलहाल को अभी हम इसके बारे में डिसीजन नहीं ले लिए। आप जाना चाहते हैं उसमें? हाँ, जहाँ फायदा होता रहेगा, जो समाज का फायदा होता रहेगा, कौम का फायदा होता रहेगा, जो आज हमारे जो बच्चनता का फायदा होता रहेगा, जो विकास के मुद्दे पर बात होती रहेगी, तो हमारे को जाना पड़ेगा ना। कौम का जहाँ फायदा होता रहेगा तो वह जाएंगे, उसमें हमारे को बेलौशों को काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे। समाज करके कुछ भी नहीं है, पहले समाज, समाज के बाद में हम। समाज के हित में क्या काम होता? आज शास्त्री नगर में खाली लोग बोलते हैं, शास्त्री नगर में क्या वेला मालूम है क्या? खाली अभी नगर सेवक भी नहीं बने, लोग क्या बोलते मालूम है क्या? कि शास्त्री नगर के लोग को सिर्फ 500 रुपए देना है, खैमा रईस खलाना खलास हुआ उन्होंने निवड़ पाए। शास्त्री नगर एक वोट बैंक है, जब तक वोट लेते है महाराष्ट्र के अंदर उड़ा मारने का काम चालू है, लेकिन उन्होंने भी मारा, वहाँ क्या करे मालूम है क्या? वहाँ भी कुछ वादे करे कांग्रेस पार्टी कि सब में पहले हम बजरंग दल को बैंड करेंगे बोले, लेकिन उन्होंने निवड़ पाने के बाद में क्या करे मालूम है क्या? अभी उसके बारे में हम सोची के बोले, तो फिर मुसलमान के ऊपर क्या रख सकते हैं? मुसलमान वोट किस वजह से करना है इनको, वोट क्या मकसद से करना? आज मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा, नाहक तकलीफ दिए जा रही है, नाहक का भी छोकरंदा इतना निकला तो 10-15 जन मार रहे। ये जो काम है ना, ये सब डिपार्टमेंट कर सकती है हैंडल। क्यों बोले तो ये जो काम है, जो गई पकड़ने का, ये पकड़ने का, बजरंग दल का नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है, उन्हों काम करना है। आज इन्हों खुले आम आ रहे, जो पाले से भी जनावर को घर सामने से उठा को लेके जा रहे, इसके बारे में कौन है पूछने वाला? समझता लेकिन अक्या पट्टी बंद को बैठे ले, सच छुपता नहीं है, सच सच ही रहता। सच को तुम जितना भी दबाने की कोशिश करो उतना तेजी से ऊपर लाता अल्लाह ताला। तुम्हारे को मालूम है, तुम जान रहे, लेकिन कम से कम अल्लाह का दिल में डर रखो, खौफ रखो, चलो अल्लाह तुम्हारे को कामयाब करेगा। तुम खाली कुर्सी के अंदर अपनी कौम को मत बेचो, आज है कल ऊपर जाना है, तुम्हारे को इसके बारे में जवाब देना है, तो अल्लाह ताला पूछेगा तुम्हारे को, जब क्या तुम उसका जवाब देंगे? राजकारण करो तो ऐसा करो कि समाज का, सब में पहले कौम का, इसके अंदर क्या मकसद है, क्या है? जा कौम है, जा अपुन है, जा समाज में अपुन है। अभी बोलना चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसका ऊपर टिप्पणी टीका करना नहीं चाहता, नहीं होने का जवान खाता। हमारे पेट में दुख रहा कि हमारे को ये तकलीफ देखे नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे को, हमारे को हम देख रहे, अल्लाह ताला हमारे को दिखा रहा, पर भी हमारे अक्के को पट्टी पड़ी ली, पर्दा पड़ेला है, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पर आपको काम नहीं करते, हम एक मुद्दे पर आपको काम नहीं करते, खाली हमारे हमारे में गटबाजी चालू है, इन्हें वैसा इन्हें ऐसा जीने, ये इससे हम कभी अज्ञान वाले नहीं। सब दिलों को पाक साफ कर को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान को, जब एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो इंशाल्लाह मुसलमानों की जीत होगी, कभी हार नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। दौला साहब, आप इतना कर रहे हैं कांग्रेस और एमआईएम राष्ट्रवादी इनके विरोध में, और हक और नाहक की जो बात कर रहे हैं आप, फिर आपका इरादा क्या है? कौन से पक्ष में आप जाना चाहते हैं? आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? ऐसा मालूम है क्या, फिलहाल को जो जितने भी पार्टियां है, क्या ये पार्टियां क्या है, खाली मालूम है क्या, इस्तेमाल करे ले, फ्री चला, इस्तेमाल करे हमारे जैसे लोगों को, इस्तेमाल करे, चाहे सलीम पामा रंदे, दौला कुंटे रंदे, ऐसे बहुत से जो हमारे संपर्क में है, ऐसे पूरे लोगों को आज पूरे हर गली गली के अंदर सब लोग नाराज है। तो हमारा मकसद क्या, जहाँ समाज है, जहाँ कौम है, वहाँ हम है। हमारी फिलहाल को तो अभी कांग्रेस पार्टी के साथ भी बात चालू है, हमारे कुछ संपर्क के वहाँ दोस्त उन्होंने भी आ रहे ले, लेकिन जो अभी हमारा जो टीआरएस जो पक्ष है ला नवीन केसीआर, हाँ केसीआर, केसीआर के साथ अभी फिलहाल को हमारी बात चालू है, तो हम केसीआर के साथ ऐसे कुछ मुद्दे की बात करेंगे, जो कौम का और समाज का क्या भला होता, जो छोकरंदा के वास्ते क्या कर सकते हैं हम, समाज के वास्ते क्या कर सकते, कौम के वास्ते क्या कर सकते, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करेंगे, और जहाँ समाज जहाँ कौम रहेगा वहाँ हम रहेंगे। अभी हमारा जो बात है चालू है,
इंशाल्लाह 10 तारीख को मीटिंग भी है हमारी, तो मीटिंग के अंदर हमारे कुछ मुद्दे हैं, अगर वो मुद्दे पर हमारी बात होती रहेंगी तो पक्ष हम ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह वो पक्ष को आने वाले दिनों में नगर चौक में हम यहाँ कुछ 20-25 सीट भी लड़ेंगे।